हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फ्रेश चेरी पाउंड केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही फ्लेवरफुल और मॉइस्ट केक तैयार होता है इस रेसिपी से। चेरीज की स्वीटनेस और हल्का सा आलमंड का नटी फ्लेवर इस केक को और भी डिलीशियस बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास 52 लीटर्स का OTG है, जिसे मैं दोनों रॉड्स को ऑन करके यानी कि टोस्ट मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी। इतनी अवन प्री हीट होगा, इधर फ्रेश चेरीज को अच्छे से धोकर इसकी ये स्टेम और गुठली को रिमूव करना है। अब हर चेरी के दो हिस्से करके एक छलनी में ट्रांसफ़र करना है, इससे चेरीज में से एक्स्ट्रा मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। थोड़ी देर इसे साइड में रख देंगे। अब एक बाउल के ऊपर छलनी रख के मैं इसमें डालूंगी मैदा, केक को एक अच्छा राइस देने के लिए बेकिंग पाउडर और स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए सॉल्ट। इन तीनों को एक साथ छान लेंगे। अब एक दूसरे बाउल में अनसॉल्टेड बटर मैंने लिया है। आप चाहें तो सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो पहले जो नमक डाला था ना ड्राई इन्ग्रीडियंट्स में, वो स्किप कर दीजिए। और गर्मियों का मौसम है, इसीलिए फ्रिज से सिर्फ 15 मिनट पहले ही मैंने इस बटर को निकाला था। अब इसे 2 मिनट तक मीडियम स्पीड पे बीट करना है, जब तक ये पेल और स्मूथ ना हो जाए। बटर एकदम स्मूथ हो गया है। अब बीटर्स को रोक के सारा बटर एक बार बीच में इकट्ठा करके इसमें मैं डालूंगी कास्टर शुगर। अगर कास्टर शुगर नहीं है आपके पास तो आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे वापस 2 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पे बीट करना है, जिससे कि बटर और शुगर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। बटर और शुगर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब बीटर को रोक के इसमें डालूंगी मैं 2 एग्स। एग्स को मैंने एक बाउल में लेकर हल्का सा फेंट लिया था। इन एग्स को एक बारी में सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, वरना पूरा मिक्सचर कर्डल हो जाएगा। एक्चुअली एग स्लिपरी टेक्सचर का होता है और बटर में हाई फैट होता है, इसीलिए अगर बहुत सारा एग बटर के मिक्सचर में जाएगा तो वो उसको उसमें मिक्स होने की जगह उसके बैटर को कर्डल कर देगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम एग का मिक्सचर बटर में अगर डालेंगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब उसको कर लेगा। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि एग रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर एग ठंडा हुआ तो वो बटर फैट को सॉलिडिफाई कर देगा और बैटर कर्डल हो जाएगा। बस लास्ट में जब ये थोड़ा सा एग का मिक्सचर बच जाएगा तो हम आखिरी में इसको ऐड करके और थोड़ा सा प्योर वेनिला एक्सट्रैक्ट इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा गाइस, इसमें वेनिला एसेंस नहीं, प्योर वेनिला एक्सट्रैक्ट मैंने यूज़ किया है। केक को नटी फ्लेवर देने के लिए इसमें जाएगा प्योर आलमंड एक्सट्रैक्ट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आलमंड एक्सट्रैक्ट अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो केक कड़वा हो सकता है, इसीलिए नाप के ही आलमंड एक्सट्रैक्ट हमेशा हमें ऐड करना है। अंदाजे से बिल्कुल मत ऐड करिएगा, केक का पूरा टेस्ट स्पॉइल हो सकता है उससे। बस 1 मिनट तक मीडियम स्पीड पर इसे बीट करना है। अब 3 पोर्शंस में ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को हम बैटर में ऐड करेंगे और बस कंबाइन होने तक ही लो स्पीड पे इसे हर एडिशन के बाद बीट करना है। ये देखिए, पहले एडिशन के बाद मैंने ये लो स्पीड पे हल्का सा इसे बीट किया। अब बीटर रोक के और सेकंड पोर्शन इसका ऐड करेंगे और उसके बाद फिर से लो स्पीड पे इसको हल्का सा बीट करेंगे और फिर फाइनली थर्ड पोर्शन ऐड करके भी इसे इसी तरीके से लो स्पीड पे जस्ट कंबाइन होने तक बीट करना है। ओवर बीटिंग नहीं करेंगे, उससे हमारा केक हार्ड हो सकता है। बीटर्स को अब हम रिमूव कर देंगे और चेरीज को 1 चम्मच मैदे में कोट कर लेंगे। इसे बेकिंग के टाइम चेरीज केक के तले में सिंक नहीं होंगी, बल्कि बीच में अच्छे से फ्लोट करेंगी। अब इन चेरीज को बैटर में ऐड करेंगे और बहुत ही जेंटल हाथों से इन चेरीज को बैटर में फोल्ड कर लेंगे। अगर आप भी मेरी तरह एक पैशनेट होम बेकर हैं या फिर आपने अपनी बेकिंग जर्नी अभी अभी शुरू की है, आप एक बिगनर बेकर हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन तो ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने 8x4 इंच का लोफ पैन ग्रीस करके पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लिया है। अब सारा बैटर इस लोफ पैन में हम ट्रांसफ़र करेंगे, और क्योंकि ये बैटर थिक है तो एक स्पैचुला की मदद से इसे चारों कोनों में स्प्रेड करेंगे। इसके सरफेस को इवन आउट करेंगे। इस केक को अब हम 180 डिग्री सेल्सियस पर 60 से 70 मिनट्स के लिए बेक मोड पर बेक करेंगे।
केक बेक हो चुका है। इसकी डननेस को चेक करने के लिए एक टूथपिक केक के सेंटर में इंसर्ट करनी है। टूथपिक क्लीन है, इसका मतलब केक पूरा अंदर से बेक हो चुका है। 10 मिनट तक केक टिन में ही ठंडा होने देना है और उसके बाद इसे वायर रैक पे ट्रांसफ़र करना है। अब कम से कम इसे 1-1.5 घंटे तक पूरी तरह से ठंडा होने देना है। थोड़ी सी आइसिंग शुगर इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और अब हम इसे स्लाइस करेंगे। टी टाइम के लिए एक परफेक्ट चेरी पाउंड केक रेडी है। गाइस, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी बेकिंग।